अमृत काल में संकल्प से सिद्धि की ओर जेबीएम ग्रुप के वार्षिक समारोह के अंदर जेबीएम ग्रुप के चेयरमैन श्री एस के आर्य जी जो केवल इंडस्ट्रीज को नहीं चलाते, जो सामाजिक सेवा में मानवता सेवा के अंदर और लोगों को सुसंस्कृत और संस्कारित करने में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं, स्वामी दयानंद जी सरस्वती के विचारों को, उनके सिद्धांतों को और आर्य प्रतिनिधि के प्रमुख के रूप में भी उनका समाज में बहुत बड़ा योगदान है। इस ग्रुप के उपाध्यक्ष हमारे नौजवान मित्र निशांत आर्य जी मारुति सुजुकी के जीएमडी, एस के टोरी जी, सुनील कक्कड़ जी, एस के कुनिडा जी, दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रमुख धर्मपाल आर्य जी, सचिव विनय आर्य जी, सुरेंद्र रेली जी, योगेंद्र खल्लर जी, हमारे कोटा में जो सामाजिक सेवाएं करते रहते हैं और हमेशा समाज के लिए समर्पण भाव से काम करते हैं, श्री अर्जुन देव चड्डा जी, आनंद स्वरूप जी, और इस ग्रुप को के संकल्प को, देश के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए यहां पधारे सभी महानुभावों का मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में बाबा साहब भीमराव जो एक विजनरी लीडर थे, जिन्होंने उस समय अभाव में रहते हुए अपनी शिक्षा दीक्षा से आजादी के आंदोलन में योगदान दिया और आजादी के बाद इस देश के संविधान बनाने में योगदान दिया। आज हम सबको गर्व है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, भारत की डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, डेमोग्राफी के रूप में भी, हमारी विविध संस्कृति संस्कारों के साथ हम इस 75 वर्ष की यात्रा के अंदर हमने लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहां हमेशा लोकतंत्र प्रणाली और लोकतंत्र पर विश्वास व्यक्त किया, और आजादी के बाद हमने दुनिया को बता दिया कि जितनी हमारी विविधताएं हैं वह हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। अलग अलग भाषा, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग खान पान, अलग अलग बोली, लेकिन ये सब मिलकर हम साथ मिलकर सामूहिकता के साथ मिलकर हमारे हर संकल्प को हमने पूरा किया है। और आज मुझे खुशी है कि जेबीएम ग्रुप और मारुति सुजुकी ने भी इसी दिशा की ओर कि आने वाले जो 25 वर्ष हैं, जब हमारे आजादी के 100 वर्ष होंगे,
तो हमारा जो लक्ष्य है वो विकसित भारत बनाना, हमारी विरासत, हमारे अतीत की संस्कृति को संजोए होते आधुनिक भारत बनाना, इन सब के लिए पूरा देश एक साथ मिलकर काम कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से आह्वान किया कि 2047 में भारत विकसित राष्ट्र बनेगा सबके सामूहिक प्रयासों से, सबके सामूहिक संकल्पों से। जब हम सब अपने अपने दायित्वों को निभाएंगे, जिस जगह भी काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में भी काम कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, वहां हम देश को पहले रखकर प्रथम राष्ट्र और इसी संकल्प के साथ काम करेंगे तो हमारी सामूहिक शक्ति इतनी बड़ी है कि हम हर संकल्प को पूरा करेंगे। और इसीलिए हमें नए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है, हमें नवाचारों का उपयोग करना है, हमारे मानव संसाधन के अंदर नए इनोवेशन करने की क्षमता हो, लेकिन हमारी संस्कृति और संस्कार संवेदना हमारे कामों में हो, क्योंकि भौतिक संसाधनों से देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक उस देश के अंदर आध्यात्मिक नहीं होगी, संस्कृति नहीं होंगे, अच्छे संस्कार नहीं होंगे, संवेदना नहीं होगी, अच्छे विचार नहीं होंगे, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और यही हमारी भारत की ताकत है, हमारी आध्यात्मिक, हमारी संस्कृति, हमारे अतीत के अंदर हमारी गौरवशाली परंपराएं, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज जीएबीएम ग्रुप ने भी अपने इसी तरीके से इनोवेशन, नए रिसर्च के माध्यम से जो दुनिया को हम बताना चाहते हैं कि भारत ईंधन के मामले को लेकर हमने कहा है कि हम हरित ऊर्जा और इसी लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। जेबीएम ग्रुप ने इलेक्ट्रिकल बसें बनाने का काम किया, नए इनोवेशन किए, नए रिसर्च किए, और मेरी निशान जी से चर्चा हो रही थी कि उन्होंने कहा कि हम 2035 तक भारत में 80% इलेक्ट्रिकल वाहनों को भारत में लेकर आएंगे। एक स्वच्छ ईंधन का नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है। हमने इस क्लाइमेट चेंज में होने वाले परिवर्तन के लिए दुनिया को सजग किया। इतनी बड़ी आबादी, भौतिक संसाधन न होने के बाद भी हमारे संकल्प स्वच्छ ईंधन के, और इसके लिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को बनाना, उनका इनोवेशन करना, यह हमारे लिए चुनौती थी। लेकिन हम चुनौती में भी हमने इस विश्वास के साथ काम किया और चुनौतियों का समाधान करने का काम किया। मुझे पूरी आशा है कि आप सब लोग जो इस संस्थान में काम कर रहे हैं, जिस संकल्प के लिए काम कर रहे हैं, उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे। और उसी के साथ संस्थान ने
अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा किया। मैंने देखा किस तरीके से हेल्थ के विषय पर, महिलाओं के रोजगार के विषय पर, आध्यात्मिक के विषय पर, योग के विषय पर, किस तरीके से मानवीय पहलुओं को ध्यान के रखते हुए और हर व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास हो, उसके लिए एक थीम पर यह संस्थान काम कर रहा है। और इसीलिए इस संस्थान में हर काम करने वाला व्यक्ति इस संस्थान का भागीदार है, परिवार का सदस्य है। वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति इस संस्थान में है। मेरा भी पहली बार किसी संस्थान में आना हुआ है, मैं किसी संस्थान के कार्यक्रम में नहीं जाता, लेकिन आर्य साहब जो जिस सुसंस्कृत विचारों से, जिस आध्यात्मिक से इस संस्थान को चला रहे हैं, और मैंने आज देखा भी है कि कोविड के समय भी कोविड की चुनौतियों को सामूहिकता के साथ लड़ना और चुनौतियों के बाद भविष्य में जो कोविड के प्रभाव हैं उनके आकलन करना और उस चुनौतियों का समाधान करना, इसके लिए पूरे थीम पर इस संस्थान ने काम किया है। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में यह संस्थान जो देश का लक्ष्य है कि हम जलवायु परिवर्तन में हम सबका योगदान होगा, उसके अंदर यह संस्थान एक बेहतरीन काम करेगा और आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज के विषय पर भी और होने वाले बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए भी एक सार्थक प्रयास इस संस्थान का है, एक सार्थक लक्ष्य है, संकल्प है। मुझे आशा है कि इस लक्ष्य को, इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में जो आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास से पूरी संस्थान मिलकर सामूहिकता से काम करेगी और हम सब नए भारत का निर्माण में योगदान देंगे और 2047 हमारे लिए 25 साल हम सबके लिए संकल्प की सिद्धि को, इस 25 साल में हम कड़ी मेहनत से, समर्पण से, सेवा से, निष्ठा से काम कर भारत को दुनिया के अग्रिम राष्ट्र बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।